नमस्कार। आज सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यूनिट सेल और उसके पैरामीटर, अगस्टा ब्रेवाइस का एक्सपेरिमेंट, वहाँ के क्रिस्टल सिस्टम, ये सब देख लिया था। आज हम सब और आगे की सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं विभु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का RRDSVNIC के इस ऑनलाइन कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट क्लास 12th का पार्ट 3, जिसमें हमको देखना है क्रिस्टल सिस्टम एंड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक बात समझिए कि जो क्रिस्टल सिस्टम हम लोगों ने पिछले वीडियो में केवल उसकी चर्चा की थी, आज हम ये बात करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम एक्चुअल में कैसा दिखता है। कभी कभी पेपर में सातों क्रिस्टल सिस्टम के बारे में एक शॉर्ट नोट पूछ लेता है कभी कभी, और अगर नहीं भी पूछता है मान लीजिए, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये एक बेसिक बेसिक तो नहीं कह सकता आप, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। एक नेसेसरी टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में देखा था कि अगस्टा ब्रेवाइस ने कुछ अरेंजमेंट प्रपोज किए, जिनमें क्यूबिक क्यूबिक के साथ टेट्रागोनल, ऑर्थोलॉम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल, विच आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 7 क्रिस्टल सिस्टम डिपेंड अपॉन द क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर। नीचे जो ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। मैंने पिछली बार भी बताया था, बार बार बताया था, कि अगस्टा ब्रेवाइस ने जो भी अपना स्टडी एनालिसिस किया था वो किसके बेसिस पे किया था, कि किस यूनिट सेल के लिए उसके एजस अल्फा बीटा सॉरी उसकी एजस ABC और एंगल अल्फा बीटा गामा में कैसा डिफरेंस होता है, उसको लेकर उन्होंने स्टडी की थी। चलिए आगे की स्लाइड पढ़ते हैं। ये एक पूरी एक आपकी एक टेबल है, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हो क्यूबिक। क्यूबिक में कौन कौन से वेरिएशन आते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से वेरिएशन है, तो आप ये वह जान लो। क्यूबिक आपका प्रिमिटिव यानी कि सिंपल क्यूबिक, उसको भी ऑब्टेन कर सकता है। क्यूबिक आपका बॉडी सेंटर को भी कर सकता है, और क्यूबिक आपका फेस सेंटर को भी कर सकता है। सवाल ये उठता है, क्यूबिक समझ में आ रहा है क्या है? पार्ट 2 के वीडियो में क्यूबिक का जिक्र कई बार आया है। क्यूबिक अरेंजमेंट यानी क्यूबिक यूनिट सेल वो है जिसमें सारे के सारे पैरामीटर, आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में देखिएगा, सारे के सारे पैरामीटर यानी कि उनके एजेस ABC और बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा, सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो उनकी एज कैसी है, ABC एज इक्वल, उनका बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल, और वो सब किसके इक्वल, 90 के। और क्यूबिक का जो एग्जांपल है वो क्या है, NaCl, जिंक, ब्लड और कॉपर। कभी कभी ये पूछ लेता है कि NaCl किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, तो उसका आंसर क्या है, NaCl इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद टेट्रागोनल है, ऑर्थोरम्बिक, इन सब की स्टडी अभी हम लोग करेंगे। ये पूरी टेबल आपको अपनी कॉपी में बना लेनी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब देखो, अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं टेट्रागोनल क्या होगा, तो टेट्रागोनल वो अरेंजमेंट जिसमें उसकी एजेस ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। दिखाई दे रहा है, ए और बी तो इक्वल है एजेस में लेकिन सी इक्वल नहीं है। वैसे ही उनके जो सारे बॉन्ड एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं, और सब के सब किसके इक्वल में चले जाएंगे, 90 डिग्री के। इसका एग्जांपल व्हेन टिन टिन डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है, ये सब उसके एग्जांपल हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, क्यूबिक इंपॉर्टेंट, और क्यूबिक के बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल है लेकिन ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स अभी यू कैन से वेरी वेल, आप इजिली देख सकते हो दैट द वैल्यू ऑफ एजेस
ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड और एसिड बी ओ थ्री बोरिक एसिड से, ठीक है। तो ये पूरे एक टेबल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्रिस्टल सिस्टम, ये पहला क्रिस्टल सिस्टम किसका है, क्यूबिक का। इसको मैं प्ले करता हूँ, क्यूबिक में आप वही देखोगे। देखो अब आप सेवन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, बहुत इजी है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि किसकी एज इक्वल है और किसकी एज इक्वल नहीं है, और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा फटाफट। ये देखिए ये किसका रेजिमेंट है, क्यूबिक का। क्यूबिक मीन्स क्या, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ए बी सी, एच, एच मतलब क्या, याद होगा किसी मॉलिक्यूल से जुड़े जो तीनों लाइंस होती हैं, एक का ए होगी, एक बी होगी, एक सी होगी, पिछली वीडियो में बताया था। आप क्लियरली वॉच आउट कर सकते हो कि सभी का जो लेंथ है वो इक्वल है, जब लेंथ इक्वल है तो इनका जो बॉन्ड अरेंजमेंट है वो भी, सॉरी इनका जो एंगल अरेंजमेंट वो भी कैसा है, इक्वल है, 90 इधर भी, 90 इधर भी, 90 इधर भी, ए बी सी तीनों इक्वल, तो अल्फा बीटा गामा भी क्या है, इक्वल है, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल। बाकी अब और देखिए, ये सारे एक्सिस के थ्रू रोटेट करने पर हमने ये क्या देखा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ये पॉइंट नोट करने के लिए है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कौन सी सेल को रखेगा, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव को भी रख सकता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बॉडी सेंटर को भी रख सकता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम फेस सेंटर को भी रख सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। ये उसके तीनों एग्जांपल हैं जिसको आपको आगे माइंड में रखना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लड और कॉपर। ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो, ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पर आप देख सकते हो पैरामीटर क्या है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि इस मॉलिक्यूल में आप क्लियर देखो, ए और बी दो बॉन्ड यहाँ इक्वल हैं, सॉरी दो लाइंस यहाँ पर या दो पैरामीटर यहाँ पर इक्वल है, लेकिन जो तीसरा पैरामीटर उसकी लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो दो पैरामीटर इक्वल होने से उनको हमने क्या कहा, ए इज इक्वल टू बी एंड ये दोनों ए और बी तो इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों सी के इक्वल नहीं है। तो क्या फिर से समझिए कि ये एक पूरा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम क्या है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए इज इक्वल टू बी और बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, आप सभी के बॉन्ड एंगल चेक करो, बॉन्ड एंगल कैसे चेक कर सकते हो, बॉन्ड एंगल में यहाँ पर ये बॉन्ड भी 90 का है, ये बॉन्ड भी 90 का है और ये बॉन्ड भी 90 का है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, अल्फा बीटा गामा सभी के एंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं और सबकी वैल्यू कितनी है, 90, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको आप और एक बार एनालाइज कर लीजिए, इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट कौन कौन सा है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, बाकी यहाँ पर फेस सेंटर्ड और एंड और एज सेंटर पॉसिबल नहीं है। ओके एवरीवन, इसके एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा तीसरा क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरॉम्बिक, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। आप देख सकते हो इस जगह पर कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में ये तीनों एजेस ए बी सी, एजेस मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगस्टा ब्रेवाइस का डिमॉन्स्ट्रेटेड एक सिंपल प्रेजेंटेशन है, बाकी ए बी सी कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं, कोई फिजिकल कंपोजिशन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या मॉलिक्यूल के अराउंड एज ए, एज बी, एच सी तीनों की लेंथ कैसी है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने के रीजन से एक्सप्रेशन क्या बना, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन हाँ आप क्लियरली देखो इन सब का जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा है, 90, तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90, तो मतलब सारे के सारे बॉन्ड एंगल इक्वल,
इक्वल होने की वजह से आप क्या लिख सकते हो, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके एवरीवन प्लीज, ये उसका एक पूरा रिप्रेजेंटेशन है, आप उसको चेक कर सकते हो, बार बार देख के वीडियो एनालाइज कर लीजिएगा। इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। अभी तक ध्यान दीजिए, एंड सेंटर्ड ना क्यूबिक में था ना टेट्रागोनल में था, ये पहला है ऑर्थोरॉम्बिक जिसमें आपको कौन सा सिस्टम अवेलेबल मिलेगा, एंड सेंटर्ड का। बाकी ये एक्सप्रेशन कभी मत भूला करी किसी भी सेल का, इसके रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके आगे बढ़ता हूँ मैं, ये देखिए ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पूरा रोटेट करके देखो तो रोटेट करने पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि दो एजेस ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरी एज सी इसके इक्वल नहीं होगी। अब दूसरी बात क्या, अब ध्यान देना भी इस वीडियो में कि दो ऐसे एजेस हैं जिनकी जो लेंथ है, एंगल, जिनका जो एंगल है वो इक्वल है। वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। आप यहाँ से इसको रिपीट कर सकते हो, ये देखिए ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि दो ऐसे एंगल हैं अल्फा और बीटा जो एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या रख दी, 90 डिग्री। लेकिन एक एंगल कैसा है, सिंपल मैथमेटिक्स से वो थोड़ा बेंट है, और इस बेंट का शेप कैसे समझ में आ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा, वो बन रहा है 120 का। यहाँ पर दो एजेस ए और बी इक्वल हैं लेकिन सी का एंगल आप खुद देखो, दो एजेस की लेंथ कैसी है, बिल्कुल सेम है लेकिन एक एज की लेंथ कैसी है, डिफरेंट है। तो हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा एंगल, दो एंगल तो ऐसे हैं जो 90 के हैं, बाकी एक एंगल कैसा है 120 का जो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, बाकी स्कोर आगे देखिए, आप इसको एनालाइज कर सकते हो क्लियरली। ये एक्सिस के राउंड रोटेशन है। ध्यान देने वाली बात क्या, हेक्सागोनल में दो एज इक्वल लेकिन तीसरी एज इक्वल नहीं, दो एंगल इक्वल टू 90 और एक एंगल इक्वल टू 120। आप देख सकते हो नीचे इसका रिप्रेजेंटेशन आ रहा, इसमें केवल प्रिमिटिव। हाँ एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेफाइट का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, तो ऑलवेज माइंड रखिएगा अकॉर्डिंग टू सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ग्रेफाइट इज जस्ट ओनली हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और फिजिक्स के आधार पर ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है, हेक्सागोनल। ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये देखिए रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम। इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर तीनों एजेस इक्वल हैं, ए बी सी एच, लेकिन आप ध्यान दो कोई दो एंगल, बिल्कुल ईजिली ध्यान दो आप यहाँ पर क्या, इसका अरेंजमेंट ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ये तीनों कैसे हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ये सब इक्वल। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरी बात क्या, यहाँ पर जो और जो बात हमको ध्यान देने वाली है कि ए और बी का जो एंगल है वो इक्वल है, लेकिन जो गामा का एंगल देखो आप, क्या वो 90 के अराउंड है, क्या वो 90 के अराउंड नहीं, वो लिटिल बिट 120 या उसके अराउंड कुछ है। तो बस हमको इसको समझना है कि ये एक्सप्रेशन कह क्या रहा है, एक्सप्रेशन केवल इतना सा कह रहा है कि इसकी तीनों एजेस तो इक्वल हैं लेकिन दो, तीनों एंगल में से दो एंगल इक्वल हैं लेकिन एक एंगल इक्वल नहीं है। हाँ सॉरी और आई एम रियली सॉरी, यहाँ क्या लिखा है कि ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा, आई एम रियली सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने गलत स्टेटमेंट के लिए कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल है लेकिन इन तीनों की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है। तो रोम्बोहेड्रल जिसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम, इसमें दो बातें क्या ध्यान देने वाली हैं कि इनके तीनों एजेस वो भी इक्वल हैं, इनके तीनों एंगल वो भी इक्वल हैं लेकिन वो तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं। अब कभी कभी ये माइंड में सवाल उठ सकता है कि सर क्यूबिक के साथ तो अब भी तो यही चीज़ है, बस अंतर क्या है कि वो 90 डिग्री का है। क्यूबिक में क्या था भाई, तीनों
एजेस इक्वल थे, तीनों एंगल इक्वल थे, और तीनों एंगल किसके इक्वल थे, 90 डिग्री के। लेकिन ऑर्थोरॉम, लेकिन रोम्बोहेड्रल में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी तीनों एजेस इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा, ये भी तीनों इक्वल है, लेकिन ये है तीनों एंगल डियर 90 डिग्री के नहीं है, 90 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अब 90 डिग्री इज अ सिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर, एक सिंपल मैथमेटिक्स से वहाँ ज़्यादा, वहाँ सिमेट्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसको सिमेट्री रिस्पेक्ट किया गया, बाकी 90 के अलावा किसी और को सिमेट्रिकल नहीं कहा गया। तो अगर कभी कोई पूछे कि विच इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल, तो वो स्टिल अभी भी कौन सा है, क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ तो सेम है, ए बी सी एज सेम है, अल्फा बीटा गामा एंगल सेम है, लेकिन वहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री नहीं है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें, बाकी आप इसको एनालाइज कर सकते हो। इसका जो पॉसिबल क्रिस्टल वो केवल कौन सा बनेगा, प्रिमिटिव सेल का बनेगा। मैं फिर कहता हूँ, ये ध्यान रखिए, इसके एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड, वो रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल है। ओके, ना मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इसको आप ध्यान दो और एनालाइज करो। ठीक, वो क्या कह रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब अब तक तो समझ में आ गया होगा डियर, कि मॉलिक्यूल से जुड़े तीनों एजेस ए बी और सी, ए बी सी, किसी को मानो ए बी और सी, जो तीन एजेस हैं, ये तीन एजेस इक्वल नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है यहाँ पर, कि दो एंगल ऐसे हैं अल्फा और गामा, वो दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा वो ना अल्फा के इक्वल है ना गामा के इक्वल है, बल्कि उसकी जो एंगल वैल्यू है वो 90 से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि मोनोक्लिनिक में एक भी एज इक्वल नहीं, मोनोक्लिनिक में केवल दो एंगल इक्वल हैं अल्फा और गामा, और वो किसके एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा की वैल्यू वहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है। ओके, बाकी इसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मोनोक्लिनिक के लिए पॉसिबल अरेंजमेंट कौन कौन सा है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, बाकी ये स्टेटमेंट ना भूला करें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ अवर लास्ट क्रिस्टल सिस्टम, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अ क्यूबिक, क्योंकि क्यूबिक अगर मोस्ट सिमेट्रिकल है तो ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। अभी आप अपने आप एनालाइज करो, यहाँ पर ए बी सी तीनों एच भी इक्वल नहीं, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी इक्वल नहीं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसके एग्जाम्पल है वेरी फेमस पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये सब चीज़ें। ठीक, तो ये रहा सेवन क्रिस्टल सिस्टम, जिसका केवल इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है, बाकी स्टडी केवल क्यूबिक और हेक्सागोनल की है, तो कभी कदार ये पेपर में पूछ लेता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके एवरीवन, ना अब मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी खुद की राइटिंग का स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसा लिखा है पेपर में डियर, न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से आएगा। यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल, बस अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4, एंड सेंटर्ड में 2 और एज सेंटर्ड में 4, कैसे होते हैं आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में आप जो चीज़ देखोगे वो क्या बता रहा है, इस वीडियो में आप क्या देखोगे कि एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल क्रिस्टली अरेंज्ड हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत माइन्यूटली वॉच करनी है, क्योंकि मैं आपको इसमें फेस टू फेस तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे भरोसा है अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो इसको समझ लेंगे। यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि वास्तव में एक यूनिट सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल का कितना पार्ट है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना पार्ट है, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे आप एक दीवार देखो, दीवार के बीचों बीच में एक बड़ी सी फुटबॉल लगा दो, बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक, तो दीवार के बीचों बीच में जो फुटबॉल लगाओगे तो उसका आधा हिस्सा तो आपके तरफ होगा
और आधा हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं केवल क्या कह रहा हूँ कि आपके सामने जो दीवार है, अगर उसमें आप बड़ी सी फुटबॉल लगा दो, बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर दो, सिमेट्रिकली फिक्स करो। सिमेट्रिकली फिक्स करने में क्या होगा, आधा हिस्सा आपकी तरफ होगा और आधा हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ। मेरी बात को सुनिएगा बार बार, समझ में आ जाएगा। तो आपके पास कितना हिस्सा है, केवल आधा, बाकी आधा किसके पास है, दूसरे के पास। ठीक वैसे ही हर क्रिस्टल सिस्टम में हर मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा उस सेल के अंदर होता है, बाकी हिस्सा सेल के बाहर होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यूबिक में एक पूरे मॉलिक्यूल का केवल आठवां हिस्सा 1/8 सेल के अंदर रहता है, फेस सेंटर्ड का हाफ 1/2 रहता है, और बॉडी सेंटर का पूरा मॉलिक्यूल। समझते हैं इसको? ठीक, ये देखिए, ये एक पूरा अरेंजमेंट है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या है क्रिस्टल लैटिस है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा। हाँ डियर, तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, जैसा अभी मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक, अगर आप इस पूरे अरेंजमेंट को देखो, मैं अगर आप पूछूं कि ये क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर है कि अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, बता लोगे आप ये कैसा स्ट्रक्चर है डियर? क्रिस्टलिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर किस्म में है अरेंजमेंट में। बार बार कितनी बार तो बोल चुका हूँ, क्रिस्टलाइन मतलब क्या, जो कैसा हो, एक सिस्टमेटिक अरेंज हो। ठीक, अब देखो, अगर इस एक मॉलिक्यूल को देखो, किसी एक को, इस एक को देखो जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इस एक को, तो ये एक मॉलिक्यूल क्या केवल एक कंपार्टमेंट से अटैच है क्या? ये इससे भी अटैच है, बगल वाले से भी। तो एक मॉलिक्यूल, बस जो मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल केवल एक सेल के साथ नहीं अटैच है, इवन वो एक मॉलिक्यूल अपने आसपास के तीन चार या एट सेल के साथ क्या है, अटैच है। आप देखो क्या, जो किसी भी को ले लो, अगर मैं इस एक की बात करूँ, इस वाले की, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या ये केवल एक सेल का है क्या? इसका भी है, इस वाली का भी है, इधर वाली का भी है, इधर वाली का भी है। यानी कि एक मॉलिक्यूल चार से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये सिस्टम केवल इतना नहीं होता, ये सिस्टम तो इनफाइनाइट जैसा है, अनंत। ठीक है, तो अगले वीडियो में पढ़ता हूँ मैं आगे, समझने की। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिस्सा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आराम से समझिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल केवल एक सेल का पार्ट नहीं होता, बल्कि वही मॉलिक्यूल और भी कई सेल से अटैच होता है। ठीक, अगर आपको दिक्कत होगी तो पिछले पार्ट टू के वीडियो में आप देखिएगा, जब हम लोग यूनिट सेल पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने क्लियर देखा था, जब एक लैटिस बनाता तो एक ही मॉलिक्यूल केवल एक सेल के साथ नहीं, बल्कि कई यूनिट सेल के साथ आपस में कैसे है, अटैच है। ठीक, नाउ लेट्स मूव। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट मे बी शेयर्ड बाई नंबर ऑफ यूनिट सेल। जैसा स्टेटमेंट लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नंबर ऑफ यूनिट सेल से क्या होगा, डिवाइड होगा, सॉरी शेयर्ड होगा, डिवाइड नहीं, शेयर होगा। अब हमको जो चीज़ समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आपसे बस मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आ जाए तो हम लोग का पढ़ाना संभाल है बस। अब हम कि अभी मैंने पीछे कागज़ की नोट्स बनाई थी, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉर्नर पे रखा एटम का 1/8 पार्ट एक सेल में होता है, बाकी एट बाकी सेवन पार्ट दूसरी सेल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, ये जो वीडियो समझाने की कोशिश कर रहा है, मैंने काफ़ी प्रयास किया, तो आप भी समझने का प्रयास करो। यहाँ पे क्या है कि ये जो एक सेल है, एक मॉलिक्यूल है, आप काउंट करो ये कितने से अटैच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने मॉलिक्यूल से अटैच है वो, कितने, सॉरी, कितने यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, एट यूनिट सेल से वो क्या हो रहा, शेयर। अब आप इसको जब तोड़ोगे तो देखना कैसे इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए, जब हमने एक मॉलिक्यूल को शेयर किया तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर कुल मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, देयर फॉर ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/8 एटम टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। यानी कि किसी एक यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम का केवल कितना हिस्सा होता है, 1/8। ठीक, अब यहाँ देखो, ये जो अरेंजमेंट में है,
ये कौन सा अरेंजमेंट है भाई, फेस सेंटर्ड है कि नहीं है? फेस सेंटर्ड कैसे है, क्योंकि मॉलिक्यूल किस पे लगा है, फेस पर। अब जैसे आपने पीछे की वीडियो में देखा, क्या एक यूनिट सेल, देखो कंफ्यूज मत हो, क्या एक यूनिट सेल केवल एक ही होती है क्या? वो तो सेवरल नंबर्स अटैच होती है। तो जो मॉलिक्यूल इस एक यूनिट सेल में होगा, ठीक वैसे ही जो मॉलिक्यूल फेस पे लगा है वो इन दो सेल के लिए कैसा है, कॉमन है। उसका हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट इस साइड है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये ऐसे होगा। तो अगर कंडीशन फेस की है तो फेस की कंडीशन में कितना पार्ट आता है एक मॉलिक्यूल का, हाफ। एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट 1/2 एटम। तो इसको समझना है आपको कि अगर फेस पे है तो हाफ पार्ट अंदर आएगा, कॉर्नर पे है तो 1/8 आएगा। अब आप सोचो अगर अगर वो मॉलिक्यूल किस में है, बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे वो मॉलिक्यूल कैसा, क्या किसी और से शेयर हो रहा, क्या क्या ये कॉर्नर पे है, क्या ये एज पर है, क्या ये फेस पर है, किसी और से शेयर हो रहा है क्या? वो तो पूरे सेल के बिल्कुल बीच में है। तो बॉडी सेंटर में अच्छी बात क्या है कि बॉडी सेंटर का जो एटम होता है एक ठो, वो केवल सेल के अंदर है, वो किसी और सेल से शेयर हो ही नहीं रहा। देखो कंट्रीब्यूशन डिफरेंट कब होगा, जब एक ही चीज़ दो या तीन चीज़ों में, क्या एक ही मॉलिक्यूल दो या तीन सेल में क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा, तब हमको कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ देखो ना यार, आप बॉडी सेंटर्ड क्या किसी कॉर्नर या फेस है, एज से अटैच है क्या, नहीं, वो तो बिल्कुल बीचों बीच में है, तो यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए ऑलवेज वैल्यू कितनी आती है, 1। कॉर्नर में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्नर पर कितना एटम का कौन सा पार्ट होता है, 1/8 होता है एक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड में मॉलिक्यूल का कौन सा कितना पार्ट होता है, हाफ पार्ट होता है। लेकिन बॉडी सेंटर में मॉलिक्यूल का पूरा पूरा पार्ट यूनिट सेल में अटैच होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अगेन। ये हो गया बॉडी सेंटर का टाइप, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स फुल्ली टू अ यूनिट सेल। ये केवल एक यूनिट सेल को कंप्रोमाइज करता है। ये देख सकते हैं आप, ये मॉलिक्यूल एज सेंटर का है, एज पे रखा जो मॉलिक्यूल है, आप देखो समझो, एज पे रखा जो मॉलिक्यूल है वो एज का मॉलिक्यूल कितने, देखो अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही हो तो बस इतना समझो, एक मॉलिक्यूल जितने यूनिट सेल से अटैच होगा उतना ही ज़्यादा वो शेयर होगा। कॉर्नर का मॉलिक्यूल 8 यूनिट सेल से अटैच था तो 1/8 हो गया। फेस का मॉलिक्यूल केवल 2 से शेयर हो पाता है तो 1/2 हो गया। बॉडी सेंटर का किसी से शेयर नहीं होता तो केवल 1/1 होल है। लेकिन जो एज पे रखा है वो कितने से शेयर होता है, 1, 2, 3, 4। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, कॉर्नर वाला 8 से शेयर था तो उसका कितना पार्ट आया सर, एक सेल में 8 पार्ट आया, यानी 1/8 पार्ट आया। फेस वाला 2 से शेयर था तो उसका कितना पार्ट एक में आया, 1/2 आया। बॉडी सेंटर किसी से शेयर नहीं था तो उसका 1/1 पूरा आया। तो अगर अब मैं कहूँ एज पे रखा मॉलिक्यूल 4 यूनिट सेल से शेयर होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी, जो देखा गया है, जो वॉच किया गया है, अगर वो 4th शेयर होता है, एक मॉलिक्यूल 4th अगर शेयर होता है तो उसका कितना पार्ट एक सेल में आएगा, इट दैट इज डेफिनेटली 1/4। वो कितना होगा, 1/4, ठीक है। बाकी ये देखिए, 1, 1, 2, 3, 4, तो एज का मॉलिक्यूल कितने हिस्से में बटा, 4 में। और अगर कॉर्नर का मॉलिक्यूल कितने हिस्से में बटा था, 8 में। फेस का मॉलिक्यूल कितने हिस्से में बटा था, 2 में। बॉडी सेंटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल बटा नहीं पाया क्योंकि वो शेयर हो ही नहीं रहा है। एंड सेंटर का कितने में बटा, 4 में। तो जो 8 में बटे 1/8 लिखोगे वहाँ के लिए, जो 2 में बटे 1/2 लिखोगे, जो शेयर ही ना हो वो 1/1 होल लिखोगे, तो 4 में शेयर हो वहाँ क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। ओके एवरीवन, नाउ अब इसी को और डीप पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इस वीडियो को आपको डियर बहुत ईजिली समझना है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूब, देर इज 1 एटम एट ईच सेंटर। एक सिंपल मैथमेटिक्स है, ये किसका एग्जांपल है, एक सिंपल क्यूबिक का, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्यों ये प्रिमिटिव है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल केवल कहाँ पर हैं,
एट कॉर्नर पर अभी मैंने देखा, अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, कॉर्नर पे रखा एटम कितने से शेयर होता है, एट से। तो यानी जो ये एक एटम है ये केवल इस एक शेल से नहीं शेयर हो रहा होगा, ये अपने राउंड 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 8 शेल से क्या हो, 8 यूनिट सेल से क्या हो रहा होगा शेयर। तो अगर एक का 1/8 है, थोड़ा समझिए, अगर एक मॉलिक्यूल का 1/8 है तो 1/8 के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 8 का 1/8 है तो कितने मॉलिक्यूल है, टोटल 8 है, तो 1/8 × 8 हम आ रहा है वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बाकी इसको आप अभी और अच्छे से समझिएगा वीडियो में, देखिए प्लीज। ये हमने मॉलिक्यूल को उसके एक्चुअल शेप में किया, मैंने पहले ही बताया था वो लाइनें जो होती हैं केवल रिप्रेजेंटेशन करती हैं। ये देखिए समझाने के लिए उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, ये देखो 1, 2, ये सारे जो कॉर्नर हैं सारे कॉर्नर मिला करके कितना मॉलिक्यूल बना, 1। इतनी चीज़ समझ में आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है कि कॉर्नर के, देखो कंफ्यूज मत हो, कॉर्नर के कितने कॉर्नर, अगर सभी कॉर्नर के साइड को मिला दो तो कितने आइटम बन रहे भाई, 1 बन रहा। बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहा करे आप पीछे का वीडियो बैक करके चेक करते रहा करो, ठीक है। ये देखिए ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट 1/8 टू ईच यूनिट सेल, तो यहाँ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है कॉपी में हर हाल में, ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एटम इन वन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ओके नाउ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 1 एटम, इसको बार बार देखोगे खुद समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर, देखो बॉडी सेंटर, मैं अभी आपको हिंट दूँ बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूल 8 कॉर्नर पर होंगे और एक मॉलिक्यूल कहाँ होगा, बिल्कुल सेल के मिडल में। कॉर्नर के मॉलिक्यूल का कितना पार्ट सेल के अंदर रहता है, 1/8, तो 1/8 एक मॉलिक्यूल का होगा और कॉर्नर पर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 8 हैं, तो 1/8 × 8। मेरी बात को बिल्कुल ईजी लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉडी सेंटर में कितने मॉलिक्यूल टोटल, कॉर्नर पे 8 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल कहाँ है, 20 सेंटर में। 8 मॉलिक्यूल का 1/8 पार्ट ही सेल के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, तो 1/8 × 8 कितने हो गए, 1। और एक जो मिडिल में है वो तो पूरा पूरा 1 और 1 है, तो 1 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। वीडियो को देखिए, इसको एनालाइज करिए आप स्वयं। ये बॉडी सेंटर, 8 मॉलिक्यूल कॉर्नर पर, ठीक है, और 1 एटम एट इट्स बॉडी सेंटर, एक एटम कहाँ है, बॉडी के बिल्कुल बीच में है। अगेन वही समझाने के लिए इसको कट किया गया, 1। ये देखो कॉर्नर के एटम अगर सबको जोड़ दो तो आपस में कितने एटम बनाएंगे, 1 बनाएगा, और एक एलिमेंट कहाँ है, सेंटर में था, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए डियर, 2 हो गए। तो सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, प्रिमिटिव में, क्योंकि वहाँ पे केवल कॉर्नर, तो वहाँ पे 1, बॉडी सेंटर में 2, एक मॉलिक्यूल आता है कॉर्नर का और एक मॉलिक्यूल आता है सेंटर का, तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाओगे पक्का आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन बनाना है जिसको आपको लिखना ज़रूरी है, जहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपकी कॉपी में रहे, ठीक। 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, 1 बॉडी सेंटर एटम इज इक्वल टू 1 × 1 × 1 एटम, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 2, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन आता है डियर, ये आना बहुत जरूरी है, नहीं आएगा बार बार वीडियो को स्क्रॉल करिएगा। ओके नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें आप देख सकते हो फेस सेंटर में क्या होगा। देखो मैं पहले इसके सिंपल, देखो फेस सेंटर में मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ होते हैं, फेस सेंटर्ड में मॉलिक्यूल होते हैं 8 मॉलिक्यूल हैं कॉर्नर पर, कॉर्नर में एक मॉलिक्यूल का कितना पार्ट आता है, 1/8, टोटल कितने मॉलिक्यूल है कॉर्नर के, 8, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। इतनी बात क्लियर हो गई, अभी आप देखोगे उसको। दूसरी बात क्या, एक
पूरे यूनिट सेल में एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर में क्यूब में कुल कितने फेस हैं? 6। अगर हर फेस पे एक मॉलिक्यूल है तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि फेस में जो लगा मॉलिक्यूल होता है वो कितने सेल से शेयर होता है? 2 से। याद करिए, वापस मैं बता रहा हूँ, कॉर्नर का मॉलिक्यूल 8 से शेयर होगा इसलिए इसको 1/8 लिखते हैं। फेस का मॉलिक्यूल 2 से शेयर होता है इसलिए इसको 1/2 लिखते हैं। बॉडी का मॉलिक्यूल किसी से भी शेयर नहीं होता इसलिए उसको 1/1 लिखते हैं। एज का मॉलिक्यूल 4 से शेयर होता है इसलिए उसको 1/4। तो अगेन फेस सेंटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे गेस कर लीजिए, 8 कॉर्नर पर हैं तो 8 कॉर्नर के लिए क्या लिखोगे, 1/8 × 8 = 1। और 6 फेस पर 6 मॉलिक्यूल हैं और फेस के लिए क्या, 6 × 1/2। 6 × 1/2 क्यों आया, फेस के मॉलिक्यूल का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है, 1/2। टोटल कितने फेस हो गए, 6। तो 6 × 1/2 = कितना आएगा, 3। तो फेस सेंटर के टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4 हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को देखकर समझिएगा, ठीक है। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दे आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर पोजीशन एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ एवरी फेस ऑफ द यूनिट सेल। ये देखिए 4 एटम, 8 एटम कॉर्नर के, बाकी हर एक एटम किसका, फेस का। अब आप देखो समझ में आ जाए कि कॉर्नर के एटम को अगर सबको जोड़ दो तो टोटल कितने बनते हैं, 1, जो ये बन के क्या हुआ, अलग हुआ। अब कितने फेज हैं, 6 फेज हैं और 6 फेज का हाफ हाफ ही तो ना ये। अब आप देखो कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे, केयरफुली वॉच करिएगा। ईच एटम एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट यूनिट सेल, दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 फेज इज 3। ओके, तो 3 + 1 = कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है भाई। तो सिंपल क्यूबिक में कितने, केवल 1 मॉलिक्यूल कॉर्नर की वजह से। बॉडी सेंटर में कितने, 2 मॉलिक्यूल, 1 कॉर्नर की वजह से और 1 बॉडी सेंटर की वजह से। फेस सेंटर में कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 3 फेस की वजह से और 1 किसकी वजह से, कॉर्नर की वजह से। ये पूरा एक्सप्रेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, बिल्कुल आराम से लिखेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे वो लिख रहा है वैसे लिखते चला जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 एटम्स। द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 4 एटम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो मैं कहाँ था कि कॉर्नर पे कितने एलिमेंट होंगे, 1। फेस के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट होंगे, 3। और बॉडी पे केवल 1। तो वो एक डिस्कशन हो गया। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने कोशिश तो की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकूं। तो इस क्वेश्चन में आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि ये एक सिंपलेस्ट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, इस बार एक आया भी था सेम टू सेम। लिखा क्या है, यदि किसी यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पर 8 मॉलिक्यूल ए है, ध्यान से सुनिएगा बस, यदि किसी यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पर 8 मॉलिक्यूल ए हैं और फेस पे 6 मॉलिक्यूल बी हैं, तब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा और कुल कितने मॉलिक्यूल कंपाउंड में है, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा। अब उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा, बाकी तो इतना इजी कि आप समझ जाओगे तो बिल्कुल हलवा है। सबसे पहले काम क्या करो, एक स्ट्रक्चर माइंड में इमेजिन करो। कह क्या रहा है कि एक सेल है जिसमें 8 मॉलिक्यूल कहाँ पर हैं, कॉर्नर पर। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने मॉलिक्यूल हो गए, 8 मॉलिक्यूल हो गए। और 8 मॉलिक्यूल किस पे हैं, कॉर्नर पर हैं। जब कॉर्नर पे हैं तो कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है कि n × 1/8। यहाँ n क्या है डियर, n है नंबर ऑफ मोल विच आर गिवन, कि कितने मॉलिक्यूल्स हमको दिए गए हैं। तो कितने प्रोवाइडेड हैं, 8 मॉलिक्यूल टोटल, जो किस पे हैं, कॉर्नर पर।
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। हम इक्वेशन लिखेंगे, n n इज इक्वल टू 8 लिखेंगे। देन फॉर्मूला में इसको पुट आउट करिए, तो जब फॉर्मूला में पुट आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 8 × 1/8, और आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर, इसी के क्वेश्चन नंबर पार्ट टू पर। वो क्या कह रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑन ईच फेस। मैंने आज दिन में, मैंने आज पिछली स्लाइड में ही बताया था कि कितने फेस होते हैं एक क्यूब में, 6 होते हैं। और फेस का कितनी शेयर, फेस के मॉलिक्यूल की शेयरिंग कितने से होती है, 2 से। कॉर्नर की शेयरिंग कितने से होती है, 8 से। तो क्या लिखा है, n × 1/8। फेस की शेयरिंग कितने से होती है, 2 से। तो क्या फॉर्मूला बनाओगे, n × 1/2। एन क्या है, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। यहाँ क्या होगा, कितने फेस हैं, 6। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच फेस। तो ईच फेस का मतलब क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स हर फेस पर है। आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो स्ट्रक्चर में डिटरमाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो यहाँ पर मेंशन है। अब अगली चीज़ क्या, वैल्यू रखी। तो वैल्यू कैसे लिखोगे, n × 1/2 के लिए आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू 6 × 1/2। तो जब 6 × 1/2 लिखोगे, आंसर कितना आएगा, 3b। तो ए के कितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर हैं, 1 कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, और फेस कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 वो फेस के रिस्पेक्ट में। तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा, a1b3। a1b3 को हम क्या लिख सकते हैं, ab3। तो ये होगा फार्मूला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आना चाहिए डियर, ये आ जाएगा तो भी आप आगे चीज़ों को समझ पाओगे। अब एक क्या कह रहा है, कुल कितने मॉलिक्यूल कंपाउंड में है, तो कुल कितने कंपाउंड अटैच हैं इसमें। तो अटैच एक अलग वर्ड है, और उसके अंदर कितने हैं वो एक अलग वर्ड है। तो अगर कभी पूछे अटैच कितने हैं, तो अटैच तो भाई 8 कॉर्नर के हैं और 6 फेस कर हैं, तो कितने हो जाएंगे, 14। लेकिन अगर पूछे उस सेल के अंदर कितने हैं, तो सेल के अंदर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 है और फेस के रिस्पेक्ट में कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इफ 4 मॉलिक्यूल आर ऑन कॉर्नर्स, इफ 4x मॉलिक्यूल आर ऑन कॉर्नर्स एंड 3y मॉलिक्यूल्स ऑन फेस, देन गिव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर यूनिट सेल। सिंपल फार्मूला, कॉर्नर के लिए फार्मूला क्या होता है, n × 1/8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्नर में कितने मॉलिक्यूल है, 4। तो क्या लिखोगे, n की वैल्यू कितनी हो गई डियर, यहाँ पर 4 हो गई। तो 4 लिखने में क्या लिखोगे, 4 × 1/8, ये जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 × 1/8। तो उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक वैसे ही फेस के लिए क्या लिखा हुआ है, n × 1/2 होता है। तो फेस पे कितने मॉलिक्यूल क्वेश्चन में दे रहा है, 3। जब 3 दे रहा है तो क्या लिखोगे, 3 × 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5। दोनों को ऐड कर दो तो हमको एक अगली स्लाइड में देखो क्या मिलेगा फॉर्मूला, a 1/2 और b 1.5। तो क्वेश्चन देने वाले पे डिपेंड करता है वो आपसे पूछ क्या रहा है। मेथड हर जगह सेम रहेगा, बाकी ये कोई कंडीशन कंफर्म नहीं है कि मॉलिक्यूल का नंबर ऑलवेज एक होल नंबर आएगा, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात से अंडरस्टूड रहेगा। आज के डे का लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मैं कल बताऊँगा। वो क्या है, इफ़ मॉलिक्यूल एक्स इज़ प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर। देखिए ध्यान देना है, मॉलिक्यूल एक्स इज़ प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर। ठीक है, अगर पहले के दोस्त मान लो समझ में नहीं भी आए तो इस पे ध्यान दो। इफ़ मॉलिक्यूल एक्स इज़ प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर, क्या कह रहा है, एक यूनिट सेल के कितने कॉर्नर होते हैं, 8। एक एक यूनिट सेल के कितने कॉर्नर होते हैं, 8। और कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 8। एवरी कॉर्नर कह रहा है ना, तो एवरी कॉर्नर के लिए क्या समझोगे आप, 8। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हुई। और कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है, n × 1/8। तो कितना लिखोगे, 8 × 1/8, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा, मॉलिक्यूल y इज़ ऑन एवरी फेस, ये भी सिंपल है, मॉलिक्यूल y एवरी फेस पर है। तो एक यूनिट सेल के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। हम लोग इसको देखेंगे भाई,
चाहे वो कोई भी यूनिट सेल हो, फेज कितने होंगे, सिक्स होंगे। तो सिक्स फेज में फेज की शेयरिंग कितने सेल से होती है, टू सेल से। तो कितने फेज हैं, सिक्स, और मॉलिक्यूल क्या है, एवरी फेज पर है। तो एवरी फेज पर अगर है तो छः फेज पर छः मॉलिक्यूल हो गए, टोटल कितने हुए, सिक्स। हर फेज पे एक एक, टोटल कितने हो गए, सिक्स से ही तो हुए ना। हम यहाँ क्या लिखोगे, एन इंटू वन बाई टू, तो सिक्स इंटू वन बाई टू आंसर कितना आएगा, थ्री आएगा। उसके बाद कह रहा है एंड वन मॉलिक्यूल जेड इज प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर देन गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच विद दिस सेल, ये एक पूरा सॉल्व है, ठीक। इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी प्रसन्न रहें, सकुशल रहें, स्टे होम स्टे सेफ, और तैयारी करिए, नेट से किताबों को देखकर पढ़ाई करिए। बाकी हम सब हमेशा आपके साथ हैं। आपकी सदा जय हो।